बरेली कॉलेज का गेट है और यहाँ पर गोयल बुक डिपो, मोहन बुक डिपो, मधु बुक डिपो नाम से तीन दुकानें किताबों की खास तौर से थी। बताया जा रहा था कि इन तीनों दुकानों के नीचे नगर निगम का बहुत प्राचीन नाला है। शिकायतें बहुत ऊपर तक की गई थी, शासन में भी शिकायतें की गई थी और आखिरकार नगर निगम ने आज अपने JCB भेज के अतिक्रमण हटाओ दल भेज कर ये कार्रवाई शुरू कर दी है। बड़ी कार्रवाई यहाँ पर कोई हुई है और तीनों दुकानों के बाहर का नाला खोलने के लिए कवायद चल रही है, बरामदे तोड़ दिए गए हैं। उधर किताब विक्रेता अपनी दुकानों के शटर लगाकर कहीं चले गए हैं। अतिक्रमण दल के प्रभारी बता रहे हैं कि उनको एक दिन का समय अपना सामान निकालने का दिया जाएगा, एक दिन के अंदर अगर वो सामान नहीं निकालते हैं तो ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जाएगी। लगता है कि कल मौका दिया जाएगा दुकानदारों को अपना अपना सामान निकालने का और कल के बाद दोबारा मशीनें चलेंगी और प्राचीन नाले को आखिर तक खोला जाएगा। बड़ी कार्रवाई है बरेली में जिसे देखने के लिए सैकड़ों लोग मौजूद हैं। देखिए बरेली कॉलेज गेट के सामने बड़ी कार्रवाई चल रही है नगर निगम की, जो जूम करके भी दिखा रहे हैं आपको कैमरे में, और नगर निगम का पंजा लगातार मार्केट तोड़ रहा है। किताबों की कई दुकानें ध्वस्त कर दी गई, उनके बरामदे तोड़ दिए गए हैं। ये बरेली की कार्रवाई है और बरेली कॉलेज का गेट, ऐतिहासिक बरेली कॉलेज जो 1837 में यहाँ बना था, वो यहाँ से मुश्किल से 100 कदम की दूरी पर है। ये बड़ी कार्रवाई देखने के लिए बरेली में बहुत सारे लोग मौजूद हैं। ये बरेली है और बरेली कॉलेज गेट का वो चौराहा जहाँ पर एक किताब विक्रेता पर आरोप है कि उसने नगर निगम की ज़मीन पर बना नाला पाट दिया है, दूसरा नाला अपने खर्चे से बनाना शुरू कर दिया है। मामला बहुत सुर्खियों में आया, अखबारों में उछला और बाद में नगर निगम ने अपनी JCB मशीन भेज दी है और JCB मशीन इस किताब घर पर कार्रवाई कर रही है, बरामदा तोड़ रही है। हम दिखाते हैं आपको ये कार्रवाई, इस कार्रवाई में क्या क्या हुआ। देखिए बरामदा ध्वस्त करती JCB की मशीन, ये देखिए मधु बुक डिपो है, यहाँ पर है अंग्रेजों के ज़माने का नाला जो हम आपको कैमरे में जूम करके दिखा रहे हैं। यहाँ से गया है अंग्रेजों के ज़माने का नाला और इस नाले के ध्वस्तीकरण को खोजने के लिए कार्रवाई नगर निगम अपनी कर रहा है। देखिए यहाँ पर इस कार्रवाई को देखने के सैकड़ों लोग खड़े हुए हैं और नगर निगम की ये कार्रवाई है जो बरेली कॉलेज गेट पर किताब घर किताबों की दुकान के सामने चल रही है। देखिए बसें भी जा रही हैं सर रोडवेज की, रोडवेज की तरफ बरेली के बस अड्डे के पास में एक कार्रवाई चल रही है जो वहाँ पर दिखा रहे हैं सीधा उसका लाइव मोबाइल मुख्य पर चल रही है मशीन। बिना फोर्स के कार्रवाई, लेकिन बहुत तावड़ तोड़ कार्रवाई
कैद, कैमरे की नज़र में कैद करने के लिए के मीडिया कर्मी भी यहाँ पर बहुत सारे आए हुए हैं। हम दिखा रहे हैं आपको कार्रवाई। इस कार्रवाई को देखने के लिए गोयल बुक डिपो पर कितने लोग मौजूद हैं बरेली में। ये बरेली में गोयल बुक डिपो पर कार्रवाई चल रही है एक तरफ, और वहीं दूसरी तरफ एक सैकड़ों लोग इस कार्रवाई को देखने के लिए मौके पर मौजूद हैं। इसको हम दिखा भी रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ गरज रही नगर निगम की जेसीबी। तलाशा जा रहा है एक बड़ा नाला, बताते हैं वो अंग्रेजों के ज़माने का नाला है जो इसी बिल्डिंग के नीचे से होकर जाता है, और कई व्यवसायिक कॉम्प्लेक्स जद में आ गए थे। नाले को खोदने के लिए कार्रवाई चल रही है। मेरा नाम विशाल यादव है। विशाल जी क्या कहना चाहेंगे? मेरा कहना यह है कि नरेंद्र मोदी जब प्रधानमंत्री बने थे तो उन्होंने ये कहा था कि हम लोग गरीबी को दूर कर देंगे हिंदुस्तान से, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि ये भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है गरीबी को दूर नहीं कर रही है, या गरीबों को दूर कर रही है। सुनील यादव जी क्या कहना चाहेंगे अंग्रेजों के ज़माने के नाले के बारे में? नाला तो है यार, दिखा देंगे यार। मेरी अंग्रेजों का नाला है सर जी, बहुत पुराना अंग्रेजों ज़माने का नाला है ये। ये दूसरा नाला बना रहे हैं अवैध, कहते हैं मोहन बुक गोयल बुक वाले, ये बिल्कुल गलत है बिल्कुल। और दिशा बदल रहे हैं इसकी, आप देख सकते हैं इसकी दिशा, ये नाला नहीं बनना चाहिए। विनय मोहन जी क्या कहना चाहेंगे नगर निगम के नाले पर कार्रवाई जो हो रही है? सर आजकल जो अतिक्रमण चल रहा है जिस तरीके से शहर में, उस तरीके से नाले की सफाई भी मतलब जो उसमें होना चाहिए, जो तड़ी झाड़ तरीके से और अभियान के तरीके से। धीरज जी क्या कहना चाहेंगे? जी सर, हमारी पहले यहाँ पे सरकारी लैटरिन थी बहुत पहले, अब वो लैटरिन तोड़ा के हमारी बिल्डिंग खड़े कर दी इन लोगों ने। फिर उसके बाद जब ये नया नाला बनने आए जो डूब जाएगा मोहल्ला, फिर खा जाएंगे। अब आप लैटरिन छीन ली, अब नाला बना के मोहल्ला छीन लेंगे क्या? प्राचीन मार्केट अंग्रेजों के ज़माने की गिराई गई है, जबरदस्त धूल धक्कड़। देखिए बरेली काले के मोड़ पर नगर निगम का अधिकरण हटाओ दस्ता भी कार्रवाई कर रहा है। नाला स्लिप के नीचे है, इसे मोड़ने की तैयारी चल रही है। देखिए आज बिना जेसीबी के मैनुअल कार्रवाई चल रही है, मतलब हाथों से और सफल से बंद नाले को खोलने के लिए निगम की टीम लगी है। ये देखिए नाला खोल के निकाला गया है, लेकिन नाला यहाँ से निकल रहा है।
ये तो नाला ये वाला है इसके अंदर लगा मेरा नाम विशाल आनंद है। विशाल आनंद जी क्या कहना चाहेंगे भाई साहब? सर जी ये कहना चाहूँगा कि जैसे कि ये नगर निगम कह रहा है वो उनकी निजी संपत्ति है, अगर कहीं से रेलवे लाइन गुजरती है तो वो रेलवे की संपत्ति हो जाती है, भारत सरकार की संपत्ति आती है। अगर कहीं से नाला गुजर रहा है वो तो भारत सरकार की संपत्ति है या अपने राज्य सरकार की संपत्ति है, तो वो निजी संपत्ति कैसे हो सकती है? सीधी सीधी कहना चाहते पिन पॉइंट पर क्या कहना चाहते हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ किताब घर के नीचे से नाला निकल रहा है, ये कहना चाहता हूँ सर कि अगर कहीं पे नाला बना है और वो निकासी के लिए बना है जो कि जल भराव की समस्या है, अगर वो नाला बना है तो वो राज्य सरकार की संपत्ति है, राज्य सरकार उसके ऊपर मकान बना दुकान बना वो उसे गिरा सकती है, हटा सकती है, उसका कोई वैकल्पिक मार्ग सो सकती है। नंद किशोर जी क्या कहना चाहेंगे? नगर निगम जो नालों पर कार्रवाई कर रहा है, नालों पर जो वो कार्रवाई कर रहा है, जो पुराने नाले हैं उनकी तो पहले सफाई हो जाए, अगर बरसात आएगी तो वही नाले इतना उफनाएंगे कुछ पूछो मत, समझे नहीं। नगर निगम के लिए पहले नंबर तो ये करना चाहिए जो नाले हैं, जो पुराने नाले हैं, जो हमारा जो सिकलापुर का नाला है, ये नगर निगम होता हुआ नगर निगम के सामने ही पूरा ये समझ लो नगर निगम की जो मार्केट है पूरी पड़ी हुई है, अगर नगर निगम की अगर एक भी डिब आप खोल के देखोगे तो पानी नहीं होगा, केवल कीचड़ और हवाल बवाल होगा बस, इसके आगे कुछ नहीं होगा। बड़ा नाला सुतल पर भारी जयप्रकाश जयपाल जी आज क्या हुआ सर, क्या कार्रवाई की? आज ये मोहन बुद्धों के जो है नाला जो होकर जा रहा है उन्होंने नाला डाइवर्ट कर रखा था, तो उसके संबंध में जो अभी ये नगरायती महोदय ने जो आदेश किए हैं उसके लिए नाले को खुलवाया जाना और जो अतिक्रमण था इसका वो हटाया जाना था। अतिक्रमण हम लोगों ने हटा दिया है, नाले वाले के लिए हमने एक दिन का समय जो दे दिया है वो अपना सामान वामान निकाल ले कल उसे तोड़ देंगे, कल तोड़ देंगे सर। रोडवेज मार्ग पर बरेली कॉलेज गेट के सामने एक पुस्तक विक्रेता के घर के अंदर से सरकारी नाला 10 फुट का आ रहा है और घर के बाहर निकला 2 फुट की नाली के रूप में निकला और नाले की दिशा और दशा तब्दील की जा रही बदली जा रही, क्या है मामला सर? वो मैं ये मेरे संज्ञान में आया था 15-20 दिन पहले, तो मैंने काम रुकवा दिया था, इधर भी मैं काफ़ी दिनों तक राजकीय कार्यों से बाहर रहा हूँ, आज भी कल भी हमको संज्ञान में लाया गया है, आज मैं उसमें अपने AE और अपने ड्राफ्टमैन को मैंने आज सुबह ही आदेश किया है कि वो लोग जाके पूरी स्थिति जांच करके बताएं कि वास्तविकता क्या है, अगर गलत है तो तोड़वा दिया जाएगा वो। थैंक यू। काम लखनऊ के लिए मैं बरेली से संजीव गंभीर।